क्लास गुड मॉर्निंग। आज मैं सोल्यूशन का पार्ट फिफ्थ मतलब पांचवा भाग में ला रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में मैंने क्या बताया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू ईएम। सब नोटेशन में बता दिया था कौन सा क्या होता है। अब हम डिटरमाइन करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से हम सल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, आज ठीक उसी प्रकार हम बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो क्या आया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम। यह मोलैलिटी था, तो आप जानते होंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट इन टू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। यह वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू डब्ल्यू बी इन टू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इन टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस फार्मूले से आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आप किसी भी सल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आइए हम एक सवाल देखते हैं जो एनसीईआरटी का बेसिस है, एक एक न्यूमेरिकल लगवाना भी ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चंस में लिख दे रहा हूँ साफ साफ कि द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ठीक है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट वॉज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिए कि बेंजीन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 353.23 केल्विन दिया है। फिर कह रहा है कि 1.80 ग्राम कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट वाज डिजॉल्व किया गया है, किसमें, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, 354.11। पहले इतना था, ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एलिवेशन हो रहा है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो फार्मूला आपके हाथ में है, एम एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। वैल्यू पुट करिए, एम एम बी, डेल्टा टी बी कैसे निकलेगा, डिफरेंस होगा क्या, 354.11 माइनस
53.23 केल्विन, तो डेल्टा टी भी आ जाएगा 0.88 केल्विन। वैल्यू पुट करिए 2.53 × 1.80 1090 × 0.88 = g/mol। यहाँ के वी की वैल्यू दी जाएगी आपको 2.53 केल्विन पर मोल। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल से ये हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, वह पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब घटना, कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। आइए देखते हैं क्या होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। क्लियर हो रहा है? तो फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी सॉलिड और लिक्विड, जब दोनों का स्टेट इक्विलिब्रियम हो, वहां पर वेपर प्रेशर दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? अब मान लीजिए यह सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, यह सॉल्वेंट हो गया। अब इस सॉल्वेंट में हम ऐड करेंगे एडेड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एडेड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसकी तुलना में, सॉल्वेंट की तुलना में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि सॉल्वेंट में केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था, और जब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया तो इसमें मॉलिक्यूलों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड to a solvent, the freezing point, अब जमने की दर, freezing point, फ्रीज होना, freezing point of the solution is always lower than that of pure solvent। कैसे, समझिए इसको ग्राफ से। यह एक्सिस हो गया वेपर प्रेशर, यह एक्सिस हो गया टेम्परेचर, ठीक है। यह मान लो सॉल्वेंट है, यह मानिए सॉल्वेंट है, इसमें हमने ऐड किया तो यह क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का या फ्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा एफ नॉट, एफ नॉट क्यों लगा रहे हैं, डेल्टा टी एफ नॉट, टी एफ नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्योर स्टेट में है। यह सॉल्यूशन का क्या हो गया, फ्रीजिंग टेम्परेचर टी एफ, तो टेम्परेचर तो इधर इंक्रीज करेगा, तो इसका टी एफ नॉट था और इसका इसके जस्ट पीछे आ रहा है, तो पीछे आने का मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर था वो क्या हो रहा, घट रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे डेल्टा टी एफ, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर यह फ्रीजिंग पॉइंट इस डेल्टा सॉरी टी एफ नॉट के आगे जाता तो एलिवेशन होता, लेकिन इसके जस्ट पीछे जा रहा, मतलब टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर घट रहा है तो मतलब उसी को तब हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ नॉट, इसी को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो ज़्यादा क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ।
फिर इसको एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, इट हैज़ बीन डिटरमाइंड, इट हैज़ बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट हैज़ बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली डैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. सेम वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. अब इस प्रोपोर्शनलिटी निशान को, साइन को हटाकर हम क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, डेल्टा टी एफ के एफ इन टू एम. वहाँ पर क्या लगा रहे थे, के बी लगा रहे थे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, के एफ. के एफ को क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. उसको क्या बोल रहे थे, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. अब देखिए, इफ मोलैलिटी क्या हो जाए, वन, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ. क्या लिख सकते हैं, पिछले क्लास में बताया था, मोलल फ्रीजिंग, इसको इतना बोल सकते हैं, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. तो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. किसके लिए, फॉर वन मोलल सोल्यूशन. तो जब सोल्यूशन की मोलैलिटी वन होगा, जब सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, वन होगी, मतलब मोलैलिटी क्या होगी, वन होगी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही तब क्या कहलाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, फिर क्या आएगा, इसके द्वारा भी हम क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सेम फार्मूला वही होगा, क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम था, एम आपको मालूम ही है, डब्ल्यू बी इन टू 1000, अब तो याद हो जा रहा होगा, एम एम बी इन टू डब्ल्यू ए, यह वैल्यू इसमें पुट करिए, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू क्या होगा, डब्ल्यू बी इन टू 1000 अपॉन एम एम बी इन टू डब्ल्यू ए. एम एम बी निकालना हमको, क्योंकि मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम एम बी इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ इन टू डब्ल्यू बी इन टू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इन टू डब्ल्यू ए. इस पर भी न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल अब मैं पार्ट सिक्स में कराऊंगा. अब पार्ट सिक्स में न्यूमेरिकल कराने के बाद अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक बचेगा इसमें वन हाफ फैक्टर, तब जाके चैप्टर फिनिश होगा. थैंक यू.